बिल्कुल सही सवाल आपका। फैसला भय्यू महाराज की मृत्यु को लेकर आया है, सर्वविवादित फैसला था। आप सबकी जानकारी में कि भय्यू महाराज ने आत्महत्या की थी। आत्महत्या के 6 महीने तक किसी भी परिवारजन ने, किसी भी व्यक्ति ने, पत्नी ने, बेटी ने, बहनों ने, किसी भी व्यक्ति पर कोई शंका जाहिर नहीं की थी। अचानक से 6 महीने बाद जांच अधिकारी बदला, उसने तुरंत फुरत में एफआईआर की, इन तीनों को गिरफ्तार कर आरोपी बनाया गया। अभियोजन ने यह मामला बनाया था कि पलक, शरद और विनायक भय्यू महाराज को ब्लैकमेल करते थे, उन्हें दवाइयां गोलियां देते थे, जिससे उनकी मनस्थिति बिगड़ी और उन्होंने आत्महत्या कर ली। फिलहाल किन धाराओं में सजा सुनाई? प्रकरण जो बनाया गया था अभियोजन का 384, 306, 120 भी का मामला बनाया गया था। न्यायालय ने 32 अभियोजन के गवाह, 3 हम लोगों के गवाह, सबका एनालिसिस करने के बाद अभी तीनों आरोपी को दोषी पाया है और उन्हें 6-6 साल का कारावास सुनाया है। आरोपी कौन-कौन बनाए? शरद, पलक और विनायक 3 आरोपी थे, तीनों को सजा सुनाई गई है। इसमें अगला क्या कदम रहेगा? मेरी नज़र में और एक आम जो भय्यू महाराज के भक्त थे उनकी नज़र में, खुद भय्यू महाराज की नज़र में, महाराज ने मरने के पहले एक सुसाइड नोट लिखा था जो गैर विवादित इसलिए भी कि हस्तलिपि विशेषज्ञ की जांच रिकॉर्ड पर आई थी। उस सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा था कि मुझे विनायक पर ट्रस्ट है, मुझे विनायक पर भरोसा है और मैं किसी भी व्यक्ति के दबाव में नहीं हूँ। ये स्पष्ट शब्द उन्होंने अपने मरने के पहले सुसाइड नोट में लिखे थे। उस सुसाइड नोट को, बाकी रिकॉर्ड पर आए बयानों को न्यायालय ने नज़रअंदाज कर दिया है और सत्र न्यायालय धर्मेंद्र सोनी साहब के न्यायालय से तीनों को सजा दी गई है। परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से इस सजा से सहमत नहीं हूँ। 100% हम लोग उच्च न्यायालय अपील करेंगे और ये मामला न्याय की हत्या के समान है मेरे लिए। जब तक हम उच्च न्यायालय से न्याय नहीं लेंगे इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे। देखिए भाई, जब मरने के पहले महाराज लिख गए थे कि सारी संपत्ति पर, बैंक अकाउंट्स पर सब कर विनायक देखरेख करेगा, तो इसका सीधा सा मतलब था कि सब दूर विनायक आता और विनायक ना आए, इसलिए प्रकरण 6 महीने बाद रचा गया। तो ट्रस्ट पर अभी उसी का कब्जा है जिसको इस सजा के होने से लाभ हुआ। धर्मेंद्र गुर्जर एडवोकेट, शरद की ओर से, विनायक की ओर से आशीष छोरे जी थे। बताओ,